सकता है चुनाव का समय है तो जो सबसे सेलेबल आइटम होगा वही बिकेगा, और अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा सेलेबल या सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में केवल प्रधानमंत्री ही सक्षम है, योगी जी नहीं उनको कारगर लग रहे हैं, तो उनकी तस्वीर होगी। लेकिन यहाँ प्रश्न यही है कि देखिए ओमिक्रॉन को कोई कितनी बड़ी पार्टी हो, उसके पास कितने बड़े उपाय हो, या इस तरह का कोई भी वायरस है, तो उसको तो रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। और अगर ये भी नहीं हो सकता है कि महाराष्ट्र में आएगा और केरल में आएगा और उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, यहाँ कोई मंत्र से उसको बांधा तो जा नहीं सकता है। तो अगर आना है, और जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है कि भाई जनवरी से शुरू होकर फरवरी में पीक पर होगा, तो हो सकता है कि हम हमारा चुनाव, जिसको हेमंत जी ने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव टालने में कोई मुझे भला नहीं नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कोई भला दिख रहा हो, तो ऐसे में अगर चुनाव हो रहा है और चुनाव के बीच में अगर ओमिक्रॉन है, तो ओमिक्रॉन तो फिर से हमें कोरोना के दूसरी लहर की याद ही दिलाएगा, और उसमें थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत होगी और उत्तर प्रदेश में कुछ भी कर ले, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, कि अगर उत्तर प्रदेश की 25% आबादी भी अगर अस्पतालों की तरफ बढ़ चलेगी, तो ना अस्पताल उनकी सेवा कर सकेंगे, ना दवाएं उनको मिल सकेंगी, और ना कोई सिस्टम उनको बिल्कुल कैटर नहीं कर सकता है। तो वो स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में आएगी, तो वो स्थिति एक बार फिर से, और चुनाव को टाल दें, 1 महीने बाद भी हो जाए, या आधा चुनाव जो है उसको अगर रोकना पड़े, तो देखिए जो चीजें दिल के अंदर बैठ जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर उनको मिटा पाना बहुत आसान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कोशिश यही होगी कि ओमिक्रॉन को डिसोन करते रहो। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, अभी आपने बताया 236 है, अब हमारी 25 करोड़ की आबादी में 236 है, तो इसको आप नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं कि भाई है ही नहीं है। बहुत सारे जिले उसी सूची में ये भी होते हैं कि कोरोना मुक्त है एकदम, हमारे यहाँ ही नहीं है। जब नहीं है तो जाहिर सी बात है कि भाई इसको डिसोन करके चलना, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उनकी स्ट्रेटजी रही होगी उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अब उनकी चुनाव की गाड़ी अब रफ्तार में आ चुकी है। अब उनकी रैलियों, मीटिंगों और उनका जो पूरा सब पूरा स्ट्रेटजी और प्लानिंग है, वो अपनी रफ्तार में चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अब ओमिक्रॉन की वजह से, जब तक कि कोई बहुत भयावह स्थिति ना हो जाए, तो ओमिक्रॉन की वजह से किसी भी चीज को डिलेल होने नहीं देना चाहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।